साथ कर लेते हैं। बीपीएससी ऑफिस के बाहर आज भी हंगामा जारी है। धरने पर बैठे शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन के बाद छावनी में तब्दील हुआ बीपीएससी कार्यालय। रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस कर्मियों की भी तैनाती कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, बीपीएससी ऑफिस के बाहर आज भी अभ्यर्थियों की ओर से विरोध किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है। धरने पर शिक्षक अभ्यर्थी आज भी बैठे हैं। प्रदर्शन के बाद छावनी में तब्दील हुआ बीपीएससी कार्यालय। रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, अभ्यर्थियों को काबू में किया जा सके। अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थी की मांग है कि जल्द से जल्द सरकार और आयोग, जो बीपीएससी की ओर से रिजल्ट जारी किया गया जिसमें धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों की ओर से, इसको रीचेक करे और रीचेक करने के बाद निष्पक्ष तरीके से मामले की जांच कर रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 तारीख को नियुक्ति पत्र का वितरण कर देंगे और नियुक्ति पत्र के वितरण में ज्यादा समय नहीं है। इसलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि जिनका अधिकार है उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, एक बार फिर से वेरिफिकेशन किया जाए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो एग्जैक्ट और निष्पक्ष रिजल्ट है वो जारी हो। इसीलिए अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों से यहां पर अभ्यर्थी पहुंचे हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और बीपीएससी कार्यालय की अगर हम बात करें तो उसके बाहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे भारी संख्या में अभ्यर्थी हैं तो ज्यादा संख्या में पुलिस भी मौजूद है ताकि अभ्यर्थियों को नियंत्रित किया जा सके, उन्हें कंट्रोल किया जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा जुड़ गए इसी खबर पर लाइव। रितेश, अभ्यर्थियों की ओर से आज भी विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या अपडेट सबसे पहले वो चाहूंगी मैं आपसे। अब बिल्कुल देखिए, इस वक्त मौजूद है हम बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर, लेकिन यहाँ पर अब कोई प्रोटेस्टर, जो नाराज जो अभ्यर्थी हैं, कोई नहीं दिखेगा। सिर्फ आपको दिखेंगे तो बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी दिखेंगे, बड़ी तादाद में मेल जो पुलिसकर्मी हैं वो भी हैं, इसके अलावा फीमेल जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी बड़ी तादाद में लगाया गया है। ऐसा लग रहा है कि जो बीपीएससी कार्यालय है वो छावनी में पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। वज्र वाहन लगाई गई है, इसके अलावा जहाँ भी आप देखेंगे कहीं भी आपको एक भी युवा नहीं दिखेगा। अगर कोई दिख भी रहा है तो फिर उसे हटा दिया जा रहा है, पुलिसकर्मी फौरन उससे पूछताछ कर रहे हैं और हटा रहे हैं। देखिए कि मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी भी हैं, उनकी भी तैनाती यहां पर की गई है और उन्हीं की देखरेख में ये सारी चीजें जो हैं चल रही हैं। सर, क्या कुछ है यहां पर, क्या प्रोटेस्ट भी हुआ, आप यहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ निर्देश है? सुबह में कुछ शिक्षक अभ्यर्थी अपनी शिकायत को लेकर यहाँ आकर बैठ गए थे, हम लोगों ने उनको यहाँ आकर हटा दिया, इसलिए कि ये सभी क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ धरना प्रदर्शन जुलूस करना मना है, इसलिए उनको यहाँ से हटा दिया, वो चले गए। क्या कोई निर्देश है जहाँ कहाँ आखिर, क्योंकि अभ्यर्थी हैं वो अपनी बात कहीं ना कहीं तो रखेंगे? अपनी बात अभ्यर्थी या कोई भी संगठन समूह जिन्हें अपनी मांग को लेकर आवाज़ उठानी है, वो डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति लेकर गर्दनी बाग धरना स्थल जो चिन्हित है वहाँ बैठ के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रोसेशन हो, जुलूस हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अपनी सही या गलत जो भी मांग लेकर आए थे उनको यहाँ से हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से समझा बुझा कर हटा दिया। धारा 144 भी लगा दी गई है क्या यहाँ? ऐसे ही जब प्रतिबंधित क्षेत्र है तो यहाँ पर किसी भी समूह को जमा नहीं होना है, अधिक संख्या में जमा ही नहीं होना है अपनी मांग को लेकर। इसलिए वर्जित क्षेत्र है, प्रोहिबिटेड एरिया है, इसलिए यहाँ जमा नहीं हो सकते हैं कोई भी संगठन समूह। बीपीएससी एक कमीशन है, समझ गए? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कि हमारे साथ मजिस्ट्रेट साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि प्रोहिबिटेड एरिया है, सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी बात, यानी जो धरना स्थल है गर्दनी बाग, वहाँ से रख सकते हैं। तो देखिए कि ये इलाका जो है, पूजा मैं बता दूँ कि बीपीएससी कार्यालय के ठीक अगर अगल बगल के बिल्डिंग्स की बात करें तो राजभवन इसके पास है, इसके अलावा सीएम सचिवालय
कार्यालय है, सीएम आवास है, तो तमाम जो हाई प्रोफाइल लोग हैं वो इसी इलाके में रहते हैं और यहाँ पर अगर कुछ भी होता है तो पुलिस फौरन हाई अलर्ट पर आती है। और यही कारण है कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उन्हें यहाँ से सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जा रहा है और पुलिस को भी पता है, प्रशासन को पता है कि प्रोटेस्टर्स की संख्या ज़्यादा है, वो रह कर आ सकते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में वज्र वाहन से लेकर जो विभिन्न फोर्सेज हैं उन सभी लोगों को डिप्लॉय किया गया है ताकि विधि व्यवस्था में कोई सवाल ना उठ खड़ा हो और इसी के लिए यहाँ पर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रितेश।